जो बच्चे अपने माता पिता के बुढ़ापे का सहारा होते हैं, वही अगर बुढ़ापे में उनसे दुर्व्यवहार करने लगें तो क्या कहेंगे। राजधानी की रमा दुबे अपने बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। रमा दुबे का कहना है कि उनके बेटे सुरेश दुबे और दीपक दुबे अपनी पत्नियों के साथ मिलकर इन पर जायदाद संबंधी दबाव बना रहे हैं। धोखे से इनकी ज़मीन बेचकर राधास्वामी नगर में एक मकान बना चुके हैं, मगर अब भी बात बात पर अपनी बूढ़ी माँ पर जुल्म ढाने से पीछे नहीं हटते। रमाबाई ने अपनी बहू टीना दुबे पर भी मारपीट संबंधित गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि अपने बेटे बहू के खिलाफ उन्होंने पुलिस में भी शिकायत दर्ज की थी, मगर राजनीतिक रसूख का दबाव बनाते हुए बेटे दीपक दुबे के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मजबूरीवश अब रमा दुबे खुद के बेटों का घर छोड़कर अपनी बेटी के घर आश्रय लेने को मजबूर हैं। मेरे को बहू ने 6 अप्रैल को मारी और बेटा ने भी मतलब 2 झा फड़ दिए और घर से निकाल दिए। फिर मैं वहाँ रायपुरा थाना जा के रिपोर्ट की तो वहाँ सब पता चल गया सबको कि मतलब वहाँ रिपोर्ट करने गई है और मार खाई है, उसके बहू ने मारी है। मेरी दोनों बहन पहुंच गए वहाँ और इन दोनों मियाँ बीबू को पुलिस आके ले गए और वहाँ जाके 2:30 बजे से बैठे बैठे 6 बजे तक बैठी थी वहाँ। डॉक्टर रिपोर्ट नहीं किए, वहाँ स्टाफ वाले समझा दिए बेटा है माफ़ कर दे। मैं उसको 4 बार माफ़ कर दी थी, ये 5वां बार है, अब तो माफ़ नहीं करूँगी बेटा। मैं ये 5वां बार मार खाई हुआ और घर में रहते तो वो तो 2 झापड़ 1 झापड़ तो मतलब वो 2-3 दिन में पड़ता ही था मेरे को। हाँ, ये जहजात के लिए हुआ है बेटा और नहीं रखने के कारण हुआ है, नहीं रखने का कारण यानी कि मेरे को पसंद नहीं करते थे, वो बहू पसंद नहीं करती, बहू थोड़ा सा कान में मतलब पिला दे लड़का के तो मेरे को लड़ने आ जाता था, जहाँ बैठी थी वहाँ लेटी थी वहाँ मेरे को लड़ने आ जाता था लड़का। बेटों से परेशान हैं, इनकी प्रॉपर्टी और इनको नहीं रखने के संदर्भ में, तो मैं समाचार पत्र वालों से थोड़ा चाहती हूँ कि इनकी जो सामाजिक जो छवि है वो थोड़ा सा उसमें कुछ फ़र्क आए, इनको किसी तरह से भी न्याय मिले समाचार पत्र के माध्यम से हो। हाँ, अभी 3 महीने से मेरे साथ ही हैं ये, मैं इनकी बेटी हूँ, सबसे छोटी बेटी हूँ और कभी कभी ये 2-4 दिन के लिए मेरी बड़ी बहन महासमुंद में भी चले जाती है। नारायण नारायण।